हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ पढ़ाने वाली हूँ, 16 कृष्ण भक्ति। कृष्ण भगवान के तो अनेकों भक्त हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। उनमें यहाँ दो भक्तों के बारे में दिया गया है। पहली है मीराबाई और दूसरे हैं रसखान। पहले हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में और मृत्यु सन 1563 ईस्वी में हुआ था। मीरा का जन्म जोधपुर राजस्थान के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह के राज परिवार में हुआ था। अपने पितामह की कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। इनकी कृष्ण भक्ति ससुराल के लोगों को अच्छी न लगी थी, लेकिन कोई भी उन्हें भक्ति मार्ग से हटा न सका। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। वे वृंदावन में रहने लगे और बाद में द्वारका में बस गए। मीरा की भक्ति माधुर्य भक्ति है। वे कृष्ण प्रेम में दीवानी हैं। उन्होंने विरह वेदना के जो गीत गाए हैं वे भारतीय साहित्य की अच्छे निधि है। उनकी भाषा में राजस्थानी और गुजराती का मिश्रण है। उनकी रचनाओं का संग्रह मीरा पदावली के नाम से उपलब्ध है। प्रस्तुत पद में सावन में मीरा को हरि आगमन की भनक लगती है और इस मंगल बेना में उनका मन मयूर नृत्य करने लगता है। सावन की बदली से वे बरसने का अनुनय यानी विनती करने लगती हैं। यहाँ मीरा के बारे में बताया गया है कि मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई थी। मीरा का जन्म जोधपुर जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह के राज परिवार में हुआ था। ये अपने दादा के कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। इनकी कृष्ण भक्ति इनके ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उन्हें कोई कृष्ण भक्ति के मार्ग से हटा न सका। पति के मर जाने के बाद उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। ये वृंदावन में रहने लगी और बाद में द्वारका में बस गए। यहाँ बताया गया कि मीरा की जो कृष्ण भक्ति थी उनके भक्ति में एक मीठापन था, मधुरता था। वे कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। उन्होंने विरह वेदना यानी जुदाई का दर्द के गीत गाए हैं। वे भारतीय साहित्य की अच्छे निधि हैं। उनकी भाषा अच्छे निधि का मतलब होता अनंत खजाना है। उनकी भाषा में राजस्थानी और गुजराती का मेल है। उनकी रचनाओं का संग्रह मीरा पदावली के नाम से उपलब्ध है, उपस्थित है। यहाँ बताया जा रहा है ये जो पद लिखा गया है इस पद में सावन में मीरा को भगवान कृष्ण हरि के आने की भनक लगती है। भनक लगना यानी मालूम होना। और इस मंगल बेला यानी शुभ घड़ी में उनका मन मयूर यानी मोर की तरह नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है। सावन की बदली से वे बरसने का प्रार्थना करने लगती हैं। आगे हम लोग पद को पढ़ेंगे, इसके विषय में जानेंगे। बरसारी बदरिया सावन री, सावरणी मन भावड़ री, सावन माँ उमग्यो म्यारो मड़ री, भड़क सुड़िया हरि आवड़ री, उमड़ घुमड़ घड़ मेघा आया, दामड़ घड़ झर लावड़ री, बीजा बूदा मेहा आया, बरसा शीतल पवन सुहावड़ री, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेला मंगल गावड़ री। प्रस्तुत पद में यहाँ पर मीराबाई सावन मास की यानी महीने की बदली यानी बदरी से पानी बरसाने के लिए कहती हैं। उन्हें सावन की बदली का आकाश में घिरना और उसका बरसना बहुत अच्छा लगता है। सावन महीने में उनका मन श्री कृष्ण के आगमन यानी आने की सूचना पाकर प्रसन्न हो उठा यानी खिल उठा है। आकाश में बहुत से बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है तथा बादल पानी की झड़ी लगा देते हैं।
बिजली, बूंद और बादलों के बरसने के कारण ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, जो तन मन को बड़ी अच्छी लगती है। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानती हैं। वे सावन महीने में पधार रहे हैं, अर्थात आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए यह समय मंगल गान का है। आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग रस खान के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1548 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी में हुआ है। रस खान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में आ बसे। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर यानी मन को मोहने वाला वर्णन हुआ है। वात्सल्य यानी प्रेम और श्रृंगार का समन्वय यानी मेल अपूर्व है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से मिलता है। यहाँ संकलित सवये में कृष्ण प्रेम में दीवानी गोपी कृष्ण की वेशभूषा पहनना तो चाहती हैं, कृष्ण का स्वांग भी करना चाहती हैं, किंतु उनकी मुरली के प्रति उनके मन में ईर्ष्या भाव यानी जलन की जो भावना है उसे अपनी सौत यानी सौतन मानती हैं। यहाँ पे बताया गया कि रस खान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। रस खान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे श्री कृष्ण के अनन्य यानी एकनिष्ठ भक्त थे। उन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में बस गए। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। प्रेम और श्रृंगार का मेल अपूर्व है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से मिलता है। यहाँ पर संकलित सवये में कृष्ण के प्रेम में दीवानी गोपी कृष्ण की वेशभूषा पहनना तो चाहती हैं, कृष्ण का स्वांग भी करना चाहती हैं, लेकिन उनकी मुरली के प्रति उनके मन में जलन की भावना है और वो श्री कृष्ण के मुरली को अपनी सौतन मानती हैं। आगे हम इस सवये को पढ़ेंगे और जानेंगे। मोर पंखा सिर ऊपर ही राखियों, गूंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरे रसखाने, सो तेरे कही सब स्वांग भरूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण के प्रेम में मतवाली एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं अपने सिर पर मोर पंख धारण करूंगी तथा अपने गले में गूंज यानी घुंघची की माला धारण करूंगी, पीताम्बर ओढ़कर तथा हाथ में लाठी पकड़कर जंगल में गोधन और ग्वालों के साथ घूमूंगी, परंतु श्री कृष्ण द्वारा अपने होठों पर धारण की हुई मुरली अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी। बच्चों यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से एक से दो बार सुनिएगा तब अर्थ आप लोग को समझ में आएगा। यह आप लोग को दोहे और सवैया याद करके रखना है, शब्दार्थ टिप्पणी नोटबुक में लिखना है और इसका प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।